हेलो नमस्कार। यहाँ पर इंसर्ट के अंदर मैनी टैब्स हैं, पेज है, टेबल है, इलस्ट्रेशन है, लिंक, हेडर, फुटर, समथिंग। वन बाय वन क्लियर करते हैं। सबसे पहले कवर पेज। कवर पेज मतलब क्या होता है? आपने अपने डॉक्यूमेंट में कोई फाइल बनाई है, 100 पेज की, 200 पेज की फाइल तो बना ली। बनाने के बाद जैसे हमारी बुक का कवर पेज होता है, हर एक बुक का एक फ्रंट पेज होता है। ये बुक्स जो है मैथ्स की है, फिजिक्स की है, 10th क्लास की, +2 की है, या जिस भी क्लास की है उसके कवर पेज पे मेंशन होता है। ठीक उसी प्रकार आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, उस डॉक्यूमेंट को आप कोई कवर पेज लगाना चाहते हो। फ्रंट में ये यूज किया जाता है इंडेक्स से पहले। तो इसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के आपके पास कवर पेज होंगे। आपको जो भी बेटर लगता है कि आपको ये वाला डिजाइन पसंद है या ये वाला ठीक लगता है, आप वो वाला इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला क्लिक कर दिया, आप ये पिक्चर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइटल आएगा आपका, ठीक है, आपने क्या लिखा हुआ है, क्या बुक के अंदर, या टॉपिक आपने बुक लिखी है या कुछ नोट्स बनाए हैं, तो उसका मेन टाइटल आप यहाँ लिख दोगे। ईयर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपने कब वो डिज़ाइन की थी, कब आपने बनाई थी, उसका ईयर आ जाएगा यहाँ पर। ये पिक आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर ऑथर का नाम आ जाता है, ऑथर आप अगर चेंज करना आता हो तो चेंज कर सकते हो। कंपनी का नाम, अपन अपनी कंपनी का नाम दिखाएंगे जो भी है। यहाँ डेट वो तो ऊपर से ही आ गई, अगर आप यहाँ भी चेंज करना चाहो तो यहाँ भी आप डेट चेंज कर सकते हो। तो ये जो पेज था ये कवर पेज बोला जाता है इसको। जब आप ये इसको ठीक से बना लोगे, आप इसको प्रिंट करोगे, प्रिंट करने के बाद आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसको प्रिंट करने के बाद उसके फ्रंट में लगा सकते हो आप इसको। तो ये होता है हमारा कवर पेज। उसके बाद है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज खाली पेज, यानी जब भी हम अपना कोई भी एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारे फ्रंट स्क्रीन पे एक ही पेज शो होता है, जो कि हमें यहाँ से पता लगता है। जब हम अपना वर्क कंटिन्यू करते रहते हैं तो उसके बाद हमें नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली मिल जाता है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें अपनी फाइल में पहले से ही 3-4 पेज, 5-6 पेज इंसर्ट करने हैं। तो आप यहाँ से इंसर्ट पेज कर सकते हो। कैसे? अभी कितने पेज हैं? जैसे 2 है, मैंने क्लिक किया तो 3 हो गए होंगे। देखो यहाँ पर ध्यान देना है, 3 हो गए, एक बार और क्लिक किया, 4 हो गए, एक बार और क्लिक किया, 5 हो गए, एक बार और क्लिक किया, 6 हो गए। तो ऐसे आप अपनी फाइल के अंदर पेज इंसर्ट कर सकते हो, ब्लैंक पेज। वैसे तो अदर अपने आप ही आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे आप वर्क करते जाओगे आपके वर्क में पेज अपने आप ही इंसर्ट होते जाते हैं, ये स्पेशली इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पहले से ही आए तो आप यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज एक ही तरह से काम करता है, मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आपने कोई वर्क लिखा है और वो वर्क आप अगले पेज पे लेके जाना चाहते हो। ब्रेक पेज का मतलब ये नहीं होता कि पेज को बीच से ब्रेक कर दिया वो टूट जाएगा, पेज उतना ही रहेगा, वर्क ब्रेक हो जाता है। कंप्यूटर तो यहाँ पर मैं यहाँ पर यदि क्लिक करता हूँ, मेरा कर्सर देखो यहाँ पर है और मैं न्यू पेज पे, अभी मैं आपको ब्लैंक पेज क्लिक करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर पेज देखना कितने हैं, अभी 3 हैं, ठीक। मैंने यहाँ पर ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर पेज 4 हो जाएंगे, सॉरी 5 हो गए, यानी 4 पेज थे हमारे जरूर। तो हुआ क्या, हमारा वर्क जो है अगले पेज पे चला गया है, तो 2 पेज पे कैसे आया, एक बार और करके देख लेते हैं क्या हुआ। मैं नीचे के पेज डिलीट कर देता हूँ, उससे ना कंफ्यूजिंग बढ़ जाती है। ठीक है, अब एक पेज है, नीचे देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, हाँ एक पेज है। अब कर्सर यहाँ पर है, हम न्यू पेज पे क्लिक करते हैं या ब्लैंक पेज पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो क्या हुआ, 2 पेज इंसर्ट हुए।
एक पेज ये और एक पेज ये। तो लेकिन वर्क भी क्या हुआ, साथ के साथ अगले पेज पे या एक पेज छोड़ के चला गया। और पेज ब्रेक में क्या होगा, अब हम पेज ब्रेक देख लेते हैं एक बार। मैं अंडू कर रहा हूँ और पेज देखो कितने हैं, पेज एक ही है। अब हम पेज ब्रेक करते हैं। पेज ब्रेक में क्या होगा, पेज ब्रेक में भी ऐसा ही होगा सेम टू सेम, जैसे कि हमने पेज ब्रेक पे क्लिक किया। तो जैसे हमने पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो वर्क जो है अगले पेज पे आ गया। बस फर्क इतना रहता है ब्लैंक पेज में, एक पेज ब्लैंक यानी खाली बीच में आ जाता है। यहाँ पर भी आपका वर्क ब्रेक होता है लेकिन यहाँ पर दो पेज इंसर्ट होते हैं। यहाँ पर भी आपका एक, यहाँ पर भी पेज इंसर्ट होता है लेकिन यहाँ पर एक पेज इंसर्ट होता है। देखो आधा वर्क यहाँ पर है और आधा वर्क यहाँ पर है, और ये पेज अपने आप आया है, ये पेज था ही नहीं। अभी कितने पेज है, दो। तो हमने इंस्टीट्यूट पे क्लिक किया और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया, तो पेज हो जाएंगे तीन और हमारा वर्क चला जाएगा अगले पेज पे। पेज ब्रेक का मतलब होता है हमारा जो वर्क है हम ब्रेक करके अगले पेज पे लेके जाना चाहते हैं, और ब्लैंक पेज का मतलब है हम अपनी फाइल में न्यू पेज या खाली पेज इंसर्ट करना चाहते हैं। आगे है टेबल। टेबल यानी आपने टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर आपने कोई ऐसा डाटा बनाना है जो कि टेबल में बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले आप टेबल लोगे। देखो टेबल ऐसे आती है, सबसे पहले तो ये रो है कि आपको, सॉरी ये रो है कि कितनी रो लेनी है, ये रो आ जाएंगी। ये कॉलम है, ऐसे आप ये ऑटोमेटिक टेबल होती, आपने कितनी रो लेनी है कितनी कॉलम लेनी है आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे ये ले लिया, उसके बाद यहाँ पर आप जिस हिसाब का आपने डाटा बनाना है आप बना सकते हो, नेम रोल नंबर क्लास समथिंग, ठीक है। तो आप उसके बाद यहाँ पर डाटा फीड करते हैं। लेकिन ये यहाँ से इसको डिलीट कर रहा हूँ एक बार। जब आपने यहाँ से टेबल ली है तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो ही ले सकते हो और शायद समथिंग समथिंग 8 कॉलम है आपके पास। अगर आपके पास बच्चे सॉरी जो भी डाटा आपने डालना था वो ज़्यादा है, ज़्यादा रो आपने लेनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए इंसर्ट टेबल है हमारे पास। इंसर्ट टेबल पे भी सेम यही चीज़ आती है, लेकिन इसमें हम मैन्युअली फीड करते हैं कि हमें कितने कॉलम चाहिए। आपको 6 कॉलम चाहिए और रो कितनी चाहिए, मान लेते हैं 50 चाहिए, 100 चाहिए, 1000 चाहिए, वो आप यहाँ पर डालोगे, ओके करना है, उतनी ही रो आपकी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे और जितने कॉलम आपने सेट किए थे उतने ही कॉलम सेट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कॉलम सेट किए थे और ऐसे 50 हमने रो सेट की थी, तो ऐसे आप रो इंसर्ट कर सकते हो। यदि आपको साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है तो ऐसे आप यहाँ पर इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो किसी सेल का, यदि आपको सेल बड़ा छोटा करना है कर सकते हो। उसके बाद है ड्रो टेबल। ड्रो टेबल में क्या होता है, इंसर्ट टेबल की तरह ही होती है लेकिन इसमें हमें टेबल ड्रो करनी पड़ती है। एक पेंसिल का निशान आएगा, आपने यहाँ पर ऐसे ड्रो करना है, एक बॉक्स आ जाएगा बॉक्स। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपको ना मैनुअली बॉक्स चाहिए कि पहला कॉलम छोटा होना चाहिए उसके बाद वाला कॉलम बड़ा होना चाहिए, तो ऐसे आप अपने हिसाब की लाइनिंग लगा सकते हो और ये लाइन बिल्कुल सीधी लगेगी, घबराने की जरूरत नहीं है कि ये लाइन टेढ़ी आएगी आपकी। और जितना आप स्पेस बनाना चाहो उतना आप बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। रो आप यहाँ पर ऐसे लगाएंगे, आपको रो कैसी चाहिए, यहाँ चाहिए तो यहाँ लगा सकते हो, और जैसे जितने स्पेस पे आपको रोचिए तो ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। ये आपने टेबल ड्रॉ कर दी, उसके बाद आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हो। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसके लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट मान लेते हैं, ये कोई और फाइल लेते हैं, इसको पासवर्ड लगाओ। पिछले वीडियो में बताया था कि पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट है, आप इसको कन्वर्ट करना। देखो ये चल नहीं रहा तो ऐसे नहीं चलेगा, पहले आपको वर्क जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। वर्क सिलेक्ट कर दिए, आप देखो आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो भी वर्क आपने टाइप कर रखा है उसको एक तरह से बॉर्डर हो जा आ जाता है, या आप ये कह लो कि टेबल आ जाती है। तो यहाँ से देखो आप कॉलम सेट कर सकते हो, रो सेट नहीं कर सकते। आपने 2 कॉलम ली, 2 रो ली, ओके पे क्लिक करते हो तो ये देखो यहाँ पर ये 2 रो आएंगी, 2 कॉलम आएंगे। हाँ देखो ये 2 कॉलम आए, तो ऐसा कुछ बाउंड्री टाइप या बॉक्स टेबल टाइप में आपका डाटा कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक्सेल सेपरेटेड शीट, यानी आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक्सेल शीट इंसर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। आपको लगता है कि आपका जो वर्क है
वो टेबल में ठीक से नहीं हो पा रहा ना, तो उसके लिए आप एक्सेल की सीट जो है इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके लिए आपको टेबल में जाना है, टेबल में जाने के बाद सेपरेट सीट पे क्लिक करना है। जैसे आप सेपरेट सीट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक एक्सेल की टेबल ओपन हो जाएगी जिसमें आपने अपना डाटा फीड करना है। डाटा फीड करने के बाद आपने बाहर क्लिक करना है, तो आपकी वो टेबल इस पेज पे इंसर्ट हो जाएगी। देखो आ गई है। तो यहाँ पर आप वन बाय वन डाटा फीड करें, डाटा फीड करने के बाद आपसे आपने बाहर क्लिक करना है। जैसे आप बाहर क्लिक करोगे, देखो ये टेबल आपकी यहाँ पर आ गई, और इसको इसका साइज आप कम ज़्यादा कर सकते हो एक्सेल का, एक्सेल सीट का सॉरी। आ गया है क्विक टेबल। क्विक टेबल में क्या होती है, इसमें बनी बनाई डिज़ाइन होती है हमारे पास टेबल की। जैसे आपको कोई डाटा फीड करना था, उसका फॉर्मेट आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस स्टाइल में बनाऊँ, तो यहाँ बने बनाए कुछ डेमो होते हैं, आप ये वाला ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है। मुझे ये वाला चाहिए, तो यहाँ पर ये इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट करने के बाद आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो, सॉरी एडिट कर सकते हो। जैसे कैलेंडर बनाना है, तो कैलेंडर पे क्लिक किया, कैलेंडर आ गया। अब आपको गए तो 12 महीने का नहीं आया, 12 महीने का नहीं आएगा, आपको एडिट करना पड़ेगा जनवरी। अब जनवरी का जरूरी थोड़ा, यहाँ से पहली तारीख यहाँ से स्टार्ट होती है, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट होती है फॉर एग्जाम्पल है, तो आप इसको डिलीट करोगे। यहाँ आपने वन किया, ठीक है, टैब बटन दबाएंगे और इसको आप चेंज करते जाओगे टैब बटन से, ठीक है। तो ऐसे आपने कैलेंडर भी बना सकते हो, और आपको 12 के 12 कैलेंडर बनाने पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली नहीं बनेंगे। इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन में सबसे पहले है पिक्चर। पिक्चर पे आप क्लिक करते हो, तो कोई पिक्चर यदि आपको लगता है मुझे इंसर्ट करनी है, आप पिक्चर पे क्लिक करो। इसमें है नहीं, है तो शायद है, एक दो तो है। जैसे माउस की पिक्चर है, मैंने ये इंसर्ट करनी है, पिक्चर पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, तो आपकी पिक्चर शो हो जाएगी, आप उसको यहाँ से कम ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन में क्या होता है, पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से आप अपने पिक्चर को डिजाइन कर सकते हो। जैसे आप कोई भी अदर ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ड्राइंग है, कोई पिक्चर है, आप इंसर्ट करते हो, तो आपका फॉर्मेट ऑप्शन ऑन हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप ब्राइटनेस देना चाहते हो अपने, देखो यहाँ पर हो रहा होगा, तो ये एडिशनल है। इसमें अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी पड़ जाएगी, आप अपने हिसाब से इसको करके देख सकते हो। बहुत ईजी ऑप्शन होते हैं, आपको देखो किस स्टाइल में आपको फोटो चाहिए, वही स्टाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप शेप दे सकते हो, सॉरी ये तो सेफ इंसर्ट है, ठीक है, बॉर्डर दे सकते हो, पोजीशन सेट कर सकते हो, ये तो आपका भी आएगा, ये आपका आ जाता है। हाइट विड्थ चेंज कर सकते हो, ये देखो यहाँ से, और ये एडिशनल ऑप्शन है। हम टॉपिक पे आते हैं अपने, तो पिक्चर में हम पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट में क्या होता है, कुछ बनी बनाई ड्रॉइंग होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड की, अगर वो आप इंसर्ट करना चाहो तो आपको क्लिप बोर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने कोई भी वर्ड फाइंड करना है, कोई भी वर्ड लिखना है। लिखने के बाद आपने गो टू पे क्लिक कर दो, गो टू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ड्राइंग आ जाएंगी कुछ बनी बनाई। ये आ तो चुकी है लेकिन शो नहीं हो रही, क्या तो कुछ प्रॉब्लम है। हाँ अभी है, तो ये देखो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ ना कुछ ड्राइंग आ गई। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, ये इंसर्ट कर सकते हैं, देखो ये आ गई। या आपने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक करो, तो पिक्चर आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं। या कुछ और लिखते हो आप, मैंने ट्री लिखा, तो ट्री से रिलेटेड कोई पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। जैसे ये आ गई, इस पर राइट क्लिक करो, ये इंसर्ट हो जाएगी, होगी। आप इनकी पोजीशन जहां मर्जी चाहो वहां पर सेट कर सकते हो। तो यहां से हम बनी बनाई ड्राइंग कुछ इंसर्ट कर सकते हैं जो कि हमारे एमएस वर्ड में पहले से ही स्टोर होती है। ये है शेप्स, जितनी भी आपको शेप्स दिखाई दे रही है, जो भी आपको लगता है मुझे अपने डॉक्यूमेंट में ये वाली शेप इंसर्ट करनी है, तो आप इंसर्ट कर सकते हो। या जो भी आपको लगता है कि भाई ये वाली ठीक है, ये वाली ठीक है, देखो मैं वन बाय वन तो सारी नहीं बता पाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा फिर तो हमारा ये वीडियो। लेकिन हाँ, मैंने जैसे पहले बताया, जैसे आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो या कुछ ड्राइंग इंसर्ट करते हो, तो आपका फॉर्मेट ऑप्शन ऑन हो जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर शेप्स आ गई, यहाँ आप उसको कलर दे सकते हो, देखो कलर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप फिल कर सकते हो उसके अंदर, कलर ही है ये भी, और आउटलाइन दे सकते हो यहाँ से।
देखो ये एडिशनल ऑप्शन है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये आपको खुद करने पड़ेंगे। शेडो परछाई या ऐसा कुछ देखो आ रहा होगा, ये हर एक ऑप्शन में आएंगे, जरूरी नहीं पिक्चर में आएंगे या इसमें आएंगे, इसमें भी आएंगे, सब में आएंगे। शेडो कहाँ करनी है देखो, कम ज्यादा करनी है तो यहाँ से कर सकते। 3D इफेक्ट डालना है आपने इसमें, देखो 3D इफेक्ट आ जाएगा। रोटेशन करनी है, यहाँ से रोटेट कर सकते हो। पोजीशन अभी आपका नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होती है, बनी बनाई शेप होती है जो कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में क्या होता है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्मार्ट आर्ट। इसमें सॉरी, इसमें क्या होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कुछ पर्टिकुलरली चार्ट हमने तैयार करना है उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे लिस्ट, आपने किसी चीज की लिस्ट दिखानी है, जैसे पहले ये होता है फिर ये होता है, या ये है हमारे कंटेंट, ऐसा कुछ दिखाना है। या प्रोसेस, प्रोसेस में जैसे मैं कोई एक एग्जांपल दे लेता हूँ यहाँ पर आपने दिखाना है कि पहले क्या होता है भाई, जैसे हमने काउंटिंग का, पहले वन आएगा फिर टू आएगा फिर थ्री आएगा, ऐसे प्रोसेस कुछ दिखाना हो आप दिखा सकते हो किसी भी चीज़ का। देखो मैं एग्जाम्पल प्रॉपर से नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप प्रोसेस दिखा सकते हो। जैसे अभी मुझे जानना है कि 10th क्लास में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10th क्लास में जाने के लिए आपको 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th, 6th, 7th, 9th, तो ऐसे आप वन बाय वन एक एक क्लास को पार करते जाओगे और आप 10th क्लास में पहुंच जाओगे। तो ऐसे प्रोसीजर दिखा सकते हैं हम, ये एक चार्ट है, इसको बाद में डिजाइन भी कर सकते हैं। मैं कोई और बताता हूँ जिसका एग्जाम्पल मैं प्रॉपर से दे पाऊँ, साइकिल दिखा सकते हो आप। साइकिल जानते हो, किसी चीज़ का रिसाइकिल होती है कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ रिसाइकिल होके बन रही है, जैसे हमारी बुक्स होती हैं, हमने बुक्स शॉपकीपर से परचेज करी, शॉपकीपर से परचेज करके हमने यूज़ कर ली, यूज़ करने के बाद हम कबाड़ी को दे देते हैं, कबाड़ी ने फिर आगे किसी बड़े अपने सप्लायर को दे दी, सप्लायर ने आगे फिर रॉ मटेरियल वाले को दे दी, रॉ मटेरियल वाले ने उसको क्या क्या गला जला के वापस पे पेपर बना दिया, और फिर पेपर उसका बुक की कंपनी में चला गया, फिर बुक की कंपनी ने बुक बना के वापस शॉपकीपर को भेज दी, और शॉपकीपर से वापस हमने खरीद ली। तो ये रिसाइकिल होता है, ऐसा कुछ रिसाइकिल दिखाना हो आपने किसी भी चीज़ का तो आप दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करेंगे आपको जरूर आएगा। अलैची में आप दिखा सकते हो कि किसी चीज के पार्ट कितने होते हैं। चलो मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पर जैसे आपने कंप्यूटर के पार्ट दिखाना है, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस बता दे, ओ सॉरी वो दिखा देता हूँ आपको डिवाइस। तो कंप्यूटर में 4 डिवाइस होते हैं, इनपुट, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा, लेकिन अभी स्टोरेज और प्रोसेसिंग कहाँ लिखोगे? तो आपने करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो ऐड शेप, ऐड शेप में आना है, आफ्टर शेप या बिफोर शेप आप यहाँ पर देख सकते हो, हम आफ्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो एक और आ गई, या एक और ले लेते हैं, देखो आ गई। तो यहाँ पर आप स्टोरेज डालो, यहाँ पर आप क्या रह गया था हमारा, अच्छा प्रोसेसिंग डालो, ठीक है। अब इनपुट के होते हैं जैसे कीबोर्ड हो गया हमारा, माउस हो गया, और आउटपुट में मॉनिटर हो गया। मैं देखो कि इनपुट में सारे नहीं दिखा पाऊंगा, मैं सिर्फ डेमो दे रहा आपको। मॉनिटर हो गया, अब मॉनिटर एक प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, वो तो आया नहीं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे यहाँ से वापस आफ्टर ऐड से कितनी करनी है आप वो कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंटर आ गया, देखिए सारे तो लिखूंगा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब स्टोरेज में, स्टोरेज में भी आपको देखो नीचे दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप बिलो करोगे, बिलो देखो आ जाएगा, आगे आपने कितने दिखाने हैं, तो यहाँ पर आप आफ्टर पे क्लिक करोगे, 2 दिखाने, जैसे इसके भी आपने, इसका तो एक ही होता है, तो आप यहाँ पर बिलो कर दो। तो इस प्रकार के आपने चार्ट बनाना है सीपीयू, मैं सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पेन ड्राइव हो सकती है, HDD हो सकती है आपकी। अब इसको आपने यहाँ से डिजाइन करना है भाई, आपको इसमें कन्वर्ट करना है इसको, ये देखो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आप जिसमें भी इसको आप चेंज कर सकते हो, मान लेते हैं यही रखना है,
और इसके फिर आपने यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हो आप। ये सारे स्टाइल हैं, जो भी स्टाइल आपको बेटर लगता है आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर इसमें 3D इफेक्ट आ जाते हैं कुछ। आ रहे हैं ना, तो ऐसे आप इफेक्ट डाल सकते हो अपने इसमें जैसा आपको ठीक लगता है। उसके बाद हमारे पास चार्ट, चार्ट तो वैसे एक्सेल का टॉपिक है लेकिन वर्ड में भी दे दिया गया है, तो बताते हैं चार्ट के बारे में। जैसे आप चार्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर किसी भी चार्ट पे आपने क्लिक करना है, सिंपल से चार्ट पे ले लेते हैं, इसी पे ले लेते हैं। ओके, जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक चार्ट की टेबल ओपन होगी और एक एक्सेल की सीट ओपन होगी। एक्सेल की सीट के बिना आप चार्ट नहीं बना सकते हो। देखो जैसे कि ये तो आपका चार्ट हो गया और ये आपकी सीट होगी, तो आप इस सीट को एडिट करना है आपने। यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख सकते हो अपने, इंग्लिश हो गया आपका, मैथ हो गया, साइंस हो गया, या कुछ और डालना है आपने, फिजिक्स हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर आप स्टूडेंट के नाम डाल देंगे या किसी भी, ठीक है, राम मोहन प्रिया, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप इस चीज़ को चेंज करोगे, नंबर आपने डालने हैं, कुछ भी नंबर डालो आपके ऊपर। अब सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप अपनी टेबल अपने हिसाब से बनाएं, कोई चीज़ आपको ग्राफ में दिखानी है तो आप उसी हिसाब की टेबल बनाएं। आपको क्लास की दिखानी है, मार्क्स की दिखानी है, अटेंडेंस की दिखानी है, सैलरी रिपोर्ट दिखानी है ग्राफ में, तो आप उसी हिसाब की टेबल बनाएंगे। तो तकरीबन आपकी टेबल बन चुकी है। तो टेबल बनने के बाद क्या है, आपने यहाँ पर टोटल अगर अगर करना वो भी कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ ध्यान दे लेते हैं, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें ग्राफ में क्या पता लगेगा, जो ये वाले कलर हैं 1 2 3 4, ये राम के हैं, ये चार कलर मोहन के हैं, ये सीमा के हैं, ये गीता के हैं, ये रीना के हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट, सॉरी, ये कलर किस हिसाब से आया है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, इंग्लिश का कलर जो है ब्लू टाइप में है, मैथ का इस टाइप में है, और जो साइंस का है ये ग्रीन टाइप में है, और ये फिजिक्स का भी थोड़ा ब्लू टाइप में है, पर्पल। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, यहाँ से हमें सब्जेक्ट के वैल्यू पता लग रही है कि उसमें इसके कितने नंबर थे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश की बात कर लेते हैं, हम बात करते हैं कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं, तो इस वाले कलर को देखो, क्या ये ज़्यादा है, ये नहीं, ये ज़्यादा है, तो यानी गीता के इंग्लिश में ज़्यादा नंबर है। तो यहाँ से आप पता भी कर सकते हो कितने, 62 के करीब है, ठीक है। या मैं बात करता हूँ कि मुझे बताओ मोहन के किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर है, किस सब्जेक्ट में है, देखो इसमें है, और ये किसका है, मैथ का है। तो यहाँ से आपको वैल्यू का पता लगता है किसी भी चार्ट की। आप डिज़ाइन यहाँ से आप जौन सा मर्जी लगाओ, जौन सा आपको ठीक लगता है वो वाला डिज़ाइन ले सकते हो। चार्ट के टाइप आपने बदलने हैं, चार्ट का टाइप बदलो आप, लेकिन वो आपको समझ में भी आना चाहिए। चार्ट का टाइप तो बदल लोगे लेकिन समझ में आ नहीं रहा उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस प्रकार का चार्ट इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद है लिंक। लिंक क्या होता है, लिंक दिखाना होता है किसी भी फाइल का अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे आप कोई भी फाइल बना रहे हो और उसके अंदर किसी चीज़ का आपने लिंक इंसर्ट करना, ज़्यादातर ये आपने इंटरनेट पे देखा होगा, अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक करें और एक नया पेज खुल जाता है, वो भी एक प्रकार का लिंक होता है, जो कि दूसरे बनाए गए पेज का एक पहले से बनाए गए पेज का लिंक होता है। आप उस पर क्लिक करते हो तो वो पेज ओपन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपने कोई पेज बना रखा है तो उसका लिंक आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो। मैं लिख देता हूँ, लिखने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि कुछ लिखना है, मैं सिर्फ वैसे बता रहा हूँ, क्लिक मोर इन्फो, क्लिक मोर इन्फो मतलब यहाँ पर आपने क्लिक करना है, जो इसके बाद यहाँ पर एक लिंक आएगा, उसके लिए करना है क्या, हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। किसी भी फाइल का लिंक बनाने के लिए हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। वो फाइल आपको पता होना चाहिए कहाँ किस पोजीशन में है, मतलब किस लोकेशन पे है, सी में है, माई डॉक्यूमेंट में है, डाउनलोड में है,
डेस्कटॉप पे है, कहाँ पर है? एक फाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है, उसको देख लेते हैं। ये डेस्कटॉप, अब डेस्कटॉप में किस नाम की फाइल है? एक्स वाई जेड के नाम से डब्ल्यू वर्ड की फाइल है। किसी फाइल का लिंक बना सकते हो, पिक्चर का लगा सकते हो, एक्सेल की लगा सकते हो, आपको जो बेटर लगता है आप उसकी लगा सकते हो। एक्स वाई जेड के नाम से तो नहीं आई डेस्कटॉप पे कोई फाइल। डेस्कटॉप ही खोला है ना मैंने, खोला था डेस्कटॉप ही है, सॉरी ये वाला डेस्कटॉप है। यहाँ पर आ जाएंगी हमारी फाइल, ये रही एक्स वाई जेड के नाम से हमने फाइल पर, कोई या किसी कोई भी फाइल हो सकती। तो आपने फाइल को सेलेक्ट करना है, फाइल को सेलेक्ट करने के बाद ओके करना। तो यहाँ पर एक ब्लू कलर का लिंक आएगा, इसके बाद कुछ लिखना चाहो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। और जैसे इस फाइल को आपने ओपन करना है, सॉरी इस फाइल को कैसे ओपन करना है, कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से और यहाँ पर आप माउस लेके जाएंगे, ऐसे हाथ का निशान आएगा और आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो वो पूछेगा क्या आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहते हो, तो आपने यस कर देना है। जैसे आप यस करोगे तो ये देखो, ये जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है इसका लिंक था वो। तो किसी भी पेज का आप लिंक बना सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखो कि स्टूडेंट का रिजल्ट डालने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ठीक, या कुछ और भी हो सकता है, अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर क्लिक करें, ये जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो आपने यहाँ पर लिंक बना देना उस चीज़ का, लिंक हाइपर लिंक से बनेगा, क्लिक करोगे तो वो चीज़ आपकी ओपन हो जाएगी। बुक मार्क क्या होता है? बुक को मार्क करना, बुक मार्क यानी कोई भी आप चीज़ रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो, दोनों कंडीशन में दिया जाता है। ये क्या होती है, एक पोजीशन होती है कर्सर की, कि आपने यहाँ यहाँ पर बुक मार्क दिया हुआ है। अब कैसे समझाऊँ, चलो ठीक है समझाते हैं, इसी पे समझा देते हैं। आप या तो बुक राइट कर रहे हो या कुछ आप डाटा रीड कर रहे हो, राइट कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पर लास्ट टाइम रीड किया था यहाँ तक आपने, या राइट किया था, तो इस सर्टिफाइड जगह को आप किसी नाम से, पर्टिकुलर नाम से सेव करना चाहते हो। तो आप इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में आपने बुक मार्क में जाना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपने कुछ भी लिखो, जैसे बुक वन लिख देता हूँ मैं, या बुक मार्क वन लिख दो, मर्जी है आपकी, ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। फिर आपने पढ़ते पढ़ते मान लेते हैं यहाँ तक पढ़ लिए, देखो ये तो एक ही पेज है, ये पेज ये ऑप्शन तब काम करेगा जब आपकी फाइल के अंदर काफ़ी पेज हो। जैसे आप पढ़ते पढ़ते जब थक जाते हो या आपको लगता है आपको रेस्ट करना चाहिए, या यहाँ तक मैंने पढ़ लिया है ऐसा कुछ जानने के लिए, तो यहाँ पर आपने बुक मार्क टू देना है मान लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बुक टू ऐड, फिर आप यहाँ पर आते हो मान लो बुक थ्री, या आपने यहाँ पर आगे, यहाँ पर आपने यहाँ तक, यहाँ तक आपने किया है तो बुक फोर ऐड, ठीक है। तो अब होगा क्या, बुक मार्क पे आपने करना क्या है, सॉरी एक मिनट के लिए वीडियो रोक रहा मैं, सॉरी वीडियो को मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। हम दोबारा से बुक मार्क ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपने बुक मार्क इंसर्ट, यहाँ पर आपने बुक मार्क ऐड करना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कुछ भी लिखेंगे, जैसे पहले लिखा हमने बुक वन ऐड, फिर यहाँ तक मान लो आपने रीड कर लिया या राइट कर लिया, बुक टू, या यहाँ तक आपने राइट कर लिया या रीड कर लिया, बुक थ्री। देखो मैंने जैसे पहले बताया, ये वर्क तब करेगा जब आपके बुक के अंदर या आपके डॉक्यूमेंट के अंदर काफ़ी पेज होंगे। एक सिंगल पेज पे तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा क्या नहीं। तो जैसे हमने चार पांच बुक मार्क दे दिए, लेकिन इससे होगा क्या, अब जैसे हमसे पूछता है कोई, या हमें लगता है कि हम पहली बार कहाँ रुके थे, या पहली बार हमने कहाँ तक पढ़ा हो था, या दूसरी बार कहाँ तक पढ़ा था, या तीसरी बार कहाँ तक पढ़ा था, या कहाँ तक लिखा था, तो ऐसे जानने के लिए हम जैसे बुक मार्क वन पे क्लिक किया, और बुक मार्क वन पे क्लिक करें तो गो टू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम गो टू पे क्लिक करें, देखो उस कर्सर यहाँ आ गया, यानी हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर रीड किया था या राइट किया था फर्स्ट टाइम यहाँ तक। तो ये होता है बुक मार्क, जैसे बुक मार्क थ्री,
गो टू पे क्लिक करो, तो बुकमार्क यानी तीसरे टाइम आपने यहाँ तक रीड किया था या राइट किया था, तो ये होता है बुकमार्क। अच्छा, क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस वैसे तो आगे भी आ जाएगा, रिपीट हो जाएगा आपका, ये मैं दिखा देता हूँ, ये रहा रेफरेंस के अंदर है, लेकिन फिर भी थोड़ा हाँ मोटा मोटा बता देता हूँ क्या होता है क्रॉस रेफरेंस में। क्या होता है, क्रॉस चेकिंग होती है आपके डॉक्यूमेंट की, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या लगा रखा है। जैसे हेडिंग लगा रखी है, अगर हेडिंग लगा रखी होगी तो यहाँ पर सो जाएंगे, आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो हेडिंग वहाँ इंसर्ट हो जाएगी मेनली। तो जैसे अभी बुक मार्क लगाए थे, देखो बुक मार्क लगा रखे हैं, जैसे थ्री थर्ड बुक बुक मार्क पे क्लिक करो तो थर्ड बुक बुक मार्क का है, वैसे इंसर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। चलो कोई नहीं, तो यहाँ पर आप किसी भी सॉरी आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फुट नोट लगा रखे तो यहाँ पर सो जाएंगे, अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एंड नोट लगा रखे तो यहाँ पर सो जाएंगे। क्रॉस चेकिंग करने के लिए आप इसका यूज़ करते हो, बुक मार्क का, सॉरी क्या था ये, क्रॉस चेक, क्रॉस रेफरेंस का। उसके बाद है हेडर फुटर। हेडर फुटर में क्या होता है, आप अपने पेज में हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हो, हेडर कुछ भी दे सकते हो आप। जैसे आपने इस पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर डिज़ाइन होते हैं हेडर के, आपने कौन सा डिज़ाइन इंसर्ट करना है। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और इस पर जैसे एमएस वर्ड आया, आप कुछ भी लिख सकते हो, कंप्यूटर लिखा मैंने। तो जैसे आप हेडर फुटर आप हेडर देते हो या फुटर देते हो तो क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करना जरूरी है। आप यहाँ पर क्लिक करो तो यहाँ तो नहीं सो होगा, कहीं आप सोच रहे हो, अच्छा सो गया, सॉरी सॉरी, वो एक्सेल में होता है प्रिंट प्रीव्यू में, यहाँ पर आपका सो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लाइट सो हो रहा है, प्रिंट प्रीव्यू में बिल्कुल डार्क आएगा, और प्रिंट जब आप करोगे तो बिल्कुल ही डार्क आएगा। अभी आपने हेडर दिया, फुटर नहीं दिया, तो फुटर अगर आप देना चाहो तो फुटर कैसे दिया जाएगा, फुटर देने के लिए आप कहाँ गया, फुटर फुटर में जाएंगे, और कोई भी डिज़ाइन आपको बेटर लगता है कि मुझे ये वाला डिज़ाइन लेना है, ये वाला लेना है, और जैसे हम ये वाला ले लेते हैं, तो जैसे हमने फुटर पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखो टैक्स मांग रहा है, टैक्स आप कुछ भी डालो, ये डाल दिया। तो आपने क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करना, ऊपर हेडर आ गया, नीचे फुटर आ गया, लेकिन होता क्या है, होता ये है जितने भी आप आगे पेज लेते रहोगे उन सभी पे ये हेडर फुटर ऑटोमेटिकली आता है। आप अपनी कंपनी का नाम लगा सकते हो, आप अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हो, फुटर दे सकते हो, यहाँ फुटर के साथ साथ पेज नंबर भी आया हुआ है, तो ये आप हेडर फुटर से कर सकते हो। आप किसी भी स्टाइल का दो, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल है, एक एक का मैं अगर एग्जाम्पल दूंगा तो 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी इंसर्ट इंसर्ट की, तो आप प्रैक्टिस करके देख लें एक बार फुटर में कौन कौन से डिज़ाइन है, कैसे दिए जाते हैं। और यहाँ उसके बाद है, अगर आपको ये हेडर फुटर रिमूव करना पड़ जाता है, अगर आपको हेडर रिमूव करना है तो यहाँ पर देखो रिमूव हेडर रिमूव हो जाएगा, फुटर रिमूव करना है तो रिमूव फुटर। उसके बाद ये पेज नंबर, ये भी एक प्रकार का हेडर ही होता है, हेडर फुटर ही होता है। अब ये पूछ रहा है कि पेज नंबर आपने कहाँ देना है, पेज के टॉप में देना है, बॉटम में देना है, या कोई मार्जिन आपने करंट पोजीशन पे देना है, कहाँ देना है। तो मेनली तो पेज के टॉप में होता है, बॉटम में होता है। उसके बाद भी पूछ रहा है कि लेफ्ट में देना है, सेंटर में देना है, देखो यहाँ पर, या यहाँ देना है। और उसके बाद भी डिजाइन है इसके, और भी पेज नंबर के देखो अलग अलग डिजाइन है, आपको जिस हिसाब का बेटर लगता है आप उसी हिसाब का ले सकते हो। जैसे मैं ले रहा हूँ, आपने इस पर क्लिक करना है, क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक कर देना है, तो आपके हर एक पेज पे पेज नंबर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो ये आपने करके देख लेना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा। उसके बाद है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स, आप अपने नया पेज ले लेते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट को थोड़ा स्टाइलिश बनाना चाहते हो, थोड़ा डिज़ाइन में आप अपने वर्क को दिखाना चाहते हो, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल के हैं, जो भी आपको बेटर लगता है आप उसी स्टाइल का टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हो। होता है क्या, मैं एक इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे ये ले लिया आगे, अब ये अंदर का जो वर्क है ये आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, और जो आप चाहो वो आप लिख सकते हो, जैसे ये लिख दिया आप, और इसको आप कहीं और सेट कर लो। यहाँ पर कोई और आपने इंसर्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स, सेम डिजाइन भी ले सकते हो, हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे ये आगे, अब इसका डिजाइन आप यहाँ सेट कर दो, अब यहाँ पर कुछ और दिखाना है आपने, वो आप अपने हिसाब से देखो, अपने लुक के अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट की लुक कैसे बनाना चाहते हो आप ये चीज इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसे आप
ये है टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर का मैटर आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में क्या होता है, क्विक पार्ट में है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, ये होते हैं जैसे कमेंट आपने कहीं पर लगा रखा है या कमेंट देना चाहते हो आप, या ऑथर, ऑथर वैसे पहले से फीड होता है हमारे इसमें, ऐसे ऑथर के लिए लिनोवो आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लिनोवो आ गया, ऑथर पहले से फीड था। कमेंट, कमेंट में देंगे तो ये देखो कमेंट पूछ रहा है कि कमेंट क्या देना है। मैंने डाल दिया कंप्यूटर, कंप्यूटर डाल दिए। अब उसके बाद यदि कमेंट और कहीं डालना पड़ जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने कमेंट डालना है, तो यहाँ पर दोबारा से कंप्यूटर लिखने की जरूरत नहीं है। देखो कंप्यूटर आ गया ना। ऐसे आप यहाँ पर कोई भी इनमें से आप फील्ड ले रहे हो, यहाँ से ऑथर वगैरह वगैरह की, वो आप वो वन बाय आपने फीड कर दी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आएगी। उसके बाद ये इतना नहीं, और इसका ज़्यादातर यूज़ क्या, मेनली यूज़ क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आपको, मेन यूज क्विक पार्ट का, ऐसे तो लंबा हो जाएगा। जैसे आप किसी चीज़ की शॉर्ट कट या शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर वन बाय वन ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ऐड थे ना, कुछ वर्ड ऐड थे यहाँ पर, ये देखो ये ऐड है, ऐसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। क्या क्या ऐड कर सकते हैं, मैं क्या लूँ, जैसे कि सीपीयू होता है हमारा, सीपीयू नहीं क्या होता, रैम लगा देते हैं, कोई बात नहीं, मैं कंप्यूटर लिख देता हूँ, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो मैंने ये लिखा और मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म बताना चाहता हूँ CI। ठीक है, तो आप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, आपने इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद क्विक पार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो सेव सिलेक्टेड, मतलब सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो नेम में सबसे पहले आया हुआ है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, है ना। तो यहाँ पर आप जो मर्जी लिख लो, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपने लिख दिया CI, ठीक है, और ओके, कुछ नहीं करना है CI। उसके बाद करना क्या है, जैसे मैं CI लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक करना है और F3 दबा देना है, कंट्रोल प्लस F3 दबा देना है। काम नहीं कर रहे, एक बार दोबारा देख लेते हैं फीड करके CI। यहाँ पर जो मैं कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, इसके फंक्शन बटन में कुछ प्रॉब्लम है, आप अपने वहां से दबाओगे, क्योंकि मैं F3 दबा रहा हूँ तो ये वॉल्यूम का बटन आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है। देखो वॉल्यूम का बटन आ रहा है, आप यहाँ से F3 दबाओगे तो पूरा ये लिखाएगा आपका। ठीक है, एक बार आप ट्राई कर लें, नहीं होता तो मैं इसके बारे में एक वीडियो और बना दूंगा क्विक पार्ट के ऊपर। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में क्या होता है, आपके जो वर्क है आप उसको स्टाइलिश में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब स्टाइलिश वर्ड आप देना चाहते हो, आप जिस पे उस पे क्लिक करोगे उसी में आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी आपको स्टाइल यहाँ से चेंज करना है आप कर सकते हो, डिजाइन टेक्स्ट होते हैं, कलर फिल अगर अगर आपको यहाँ पर शेड करना हो तो कर सकते हैं चेंज। उसके बाद है सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और डॉक्यूमेंट आप डॉक्यूमेंट के नीचे उस जिसके नाम आपने कोई लेटर बनाया है उसके सिग्नेचर कराना चाहते हो, तो उसके लिए यूज होता है इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करना है, ओके करना है। तो यहाँ पर क्या है, भाई किसके सिग्नेचर कराने हैं, मान लेते हैं आपको राम कुमार कोई भी है, मान लेते हैं इसके सिग्नेचर कराने हैं। और सिग्नेचर टाइटल क्या है, जैसे मैनेजर है, डायरेक्टर है, क्या है, मान लेते हैं टीचर है, टीचर, और ईमेल वगैरह वगैरह इतने डालने की जरूरत नहीं है, आपने बस कुछ नहीं करना, ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो आपका कर्सर जो होगा वहाँ पर एक एक्स के नाम का ऐसा निशान आ जाएगा और राम कुमार या जो भी आपने नाम डाला होगा यहाँ, तो जो भी आपका जिसके भी आपने सिग्नेचर कराने वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा। आप इसकी पोजीशन दाएं बाएं कहीं भी सेट कर सकते हो, ये होता है सिग्नेचर लाइन लेने के लिए।
आगे है आपका डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम सिंपल सा है, आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है, जो भी आपको फॉर्मेट पसंद है आप वो डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल इंसर्ट कर सकते हो, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल इंसर्ट कर सकते हो। कैसे, आपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, कोई भी आप ऑप्शन देख लो, जैसे अभी मैं बिट मैप पे क्लिक करता हूँ, तो बिट मैप पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर पेंट ओपन हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो भी आप ड्राइंग पेंट के अंदर बना रहे हो, जैसे मैंने ये बनाई, ये पेंट के अंदर आपने ड्राइंग बनाई और हम चाहते हैं कि ये ड्राइंग एमएस वर्ड में आ जाए, और आपने करना क्या, बस यहाँ से कट कर देना है। जैसे आप कट करोगे तो ये वाली ड्राइंग देखो हमने बनाई थी पेंट में और आ गई एमएस वर्ड में। तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइल आप डायरेक्टली यहाँ पर बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, मैथ से संबंधित होती है, ये मैथमेटिक रिलेटेड होती है। जैसे आप मैथ के कोई टीचर हो और आपने कोई क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना है तो उसमें हेल्प करते हैं, जैसे इस पे आपने क्लिक कर देना तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने देखो सेम यही इक्वेशन थोड़ा होती है, यहाँ पर एक्स की जगह वाई हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, आप इन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। सिर्फ ये एक डिज़ाइन है जो कि चेंज करने के लिए बनाया गया है, ये एक सिर्फ फॉर्मेट होता है जो कि कोई इक्वेशन तैयार करने में हेल्प करता है। आपको जैसे भी इक्वेशन अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है आप अपने हिसाब से इंसर्ट कर सकते हो, ये सिर्फ डिज़ाइन होते हैं। यहाँ से आप चेंज करना, यहाँ से हमें चेंज करना होता है कुछ भी, एक्स वाई जेड जो भी डालना है आपने आप डाल सकते हो। यदि फिर भी आपको लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग तो इक्वेशन आई नहीं है और ये वाली इक्वेशन तो है नहीं, इसके अंदर सारी तो देखो नहीं मिलेंगी, आप एडिट कर सकते हो, सॉरी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे देखो आपने क्या लेना है, कौन से वाला सिंबल लेना है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन होते हैं यहाँ। ठीक है, अब उसके बाद है हमारा सिंबल। सिंबल में सिंबल होते हैं, सिंबल कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में नहीं होते, जैसे अब कॉपी रेट है, जहाँ पर कर्सर होगा ना वहाँ पर आएगा ये बात ध्यान रखना। अगर इनमें से कुछ सिंबल आपको इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, या आपने और अधिक सिंबल देखने हैं तो मोर सिंबल पे जाएंगे। यहाँ पर देखो इस टाइप की जो ये कीज होती है ना, ये हमारे कीबोर्ड में नहीं होती है, हमें लगता है कि ये तो सिंपल है लेकिन नहीं, इसमें समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे इस टाइप का कोई सिंबल है या कुछ भी है तो आप यहाँ से सिंबल इंसर्ट कर सकते हो, मैनी सिंबल होते हैं इसके अंदर, TM का हो गया ट्रेडमार्क, तो ऐसे आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है और इससे ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा मैं, मैंने कुछ जल्दी जल्दी ही समझाया है। यदि वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में एक बार टाइप कर दें, लिख दें, हम उसका सोल्यूशन आप प्रोवाइड करा देंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें इसको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।